तो भैया गाड़ी हमारी चल गई है 515 किलोमीटर्स और इसका फर्स्ट सर्विसिंग का ड्यूरेशन आ गया था, तो हमने इसकी सर्विसिंग करा ली है। और सर्विसिंग कराने के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक रेंच का साइन भी मिल जाएगा, जो कि इंडिकेशन है कि सर्विसिंग आप करा लीजिए, या फिर आप 45 डेज के अंतराल में भी इस फर्स्ट सर्विसिंग को करवा सकते हैं। जैसे कि ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350, इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हम करा चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे आइटम्स यूज हुए हैं सर्विसिंग के दौरान। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 500 किलोमीटर्स के बाद 3000 किलोमीटर्स में होगी, उसके बाद 6000 किलोमीटर्स में होगी, उसके बाद 9 में, और उसके बाद ऐसे ही 3000 के गैप में होती रहेगी। जो फर्स्ट की 4 सर्विसिंग है वो फ्री रहती हैं, फ्री इन द सेंस जो लेबर कॉस्ट होती है वो इंक्लूडेड नहीं रहती है, बाकी जो भी आइटम्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं उनकी ही केवल प्राइसिंग हमें देनी पड़ती है। तो सबसे पहला मेजरली इसमें क्या चेंज हुआ है, इंजन ऑयल चेंज हुआ है। अब आई डोंट नो कि जो फर्स्ट सर्विसिंग में है उसमें इंजन ऑयल क्यों चेंज किया, हालांकि जो उसका कलर था वो भी नॉर्मल इंजन ऑयल जैसा ही था, क्योंकि 500 किलोमीटर्स में उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, सर्विस मैन के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज ही करवा लिया। और उसकी जो कॉस्ट है वो है 663 रुपीज। नेक्स्ट जो आइटम यहाँ पे अप्लाई किया गया वो था चेन ल्यूब्रिकेंट एंड क्लीनर किट, जिससे गाड़ी वगैरह साफ की थी और चेन की सफाई करी थी, चेन का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे चेन ल्यूब्रिकेंट इस चेन में अप्लाई की थी। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 187 रुपीज। थर्ड आइटम जो था वो था इंजन ऑयल फिल्टर, और ये इसकी जो प्राइसिंग है वो थी 87 रुपीज। और लास्ट था रीसीलेंट, 10 ग्राम्स का रीसीलेंट था, 40 रुपीज इसकी प्राइसिंग थी। रीसीलेंट का काम क्या होता है, जैसे नट एंड बोल्ट्स जो भी रहते हैं उसमें, उसको लॉक करने के बाद प्रॉपरली इसमें सीलेंट अप्लाई कर दिया जाता है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए बेसिकली। और बाकी सारे ही जैसे ये की का पोर्ट है, यहाँ पे भी हमने लुब्रिकेंट अप्लाई वगैरह किया था। तो टोटल जो सर्विसिंग कॉस्ट आ गई थी, फर्स्ट जो सर्विसिंग कॉस्ट है, लेबर चार्ज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं था, उसके बाद भी 978 रुपीज की इसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट है वो हमें पड़ गई थी। बाकी सर्विस रिस्पॉन्स काफी बढ़िया था, पहले पूरी गाड़ी धुलवाई थी और उसके बाद प्रॉपरली सर्विसिंग करी थी, और सर्विसिंग करवाने के बाद जैसा कि आप जानते ही हैं गाड़ी बिल्कुल बटरी स्मूथ चल रही थी, काफी बढ़िया गाड़ी है, रिस्पॉन्स अच्छा है गाड़ी का, कॉर्नरिंग अच्छी है गाड़ी की, और बढ़िया बटरी स्मूथ अब ये यहाँ पे चल रही है। तो गाइस ये था एक रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का फर्स्ट सर्विसिंग का रिव्यू, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।